इस वक्त हैदराबाद में के कविता की गिरफ्तारी हो रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में ही मौजूद थे। मोदी ने हैदराबाद में आज रोड शो किया और रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और हैदराबाद के बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। सड़क के दोनों तरफ खड़ी भीड़ का प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया। दरअसल मोदी को 400 पार वाला नारा उनका ये तभी पूरा हो सकता है जब दक्षिण में भी बीजेपी को सीटें आए, इसलिए मोदी मिशन साउथ पर है। मोदी के इस मिशन का सबसे अहम पड़ाव तेलंगाना ही है, यहाँ बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है। करीमनगर सीट पर बीजेपी कांग्रेस और बीआरएस से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। निजामाबाद सीट पर भी बीजेपी दोनों पार्टियों से लीड लेती दिख रही है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक सिकंदराबाद की सीट पर तो बीजेपी दोनों पार्टियों से फिलहाल बहुत आगे है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सीट हैदराबाद में भी बीजेपी उन्हें टक्कर दे रही है। हालांकि ओवैसी इस सीट पर आगे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीआरएस से ज्यादा समर्थन इस सीट पर बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। मोदी हैदराबाद पहुंचे, उससे पहले ही ओवैसी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर उनकी सरकार पर हमला बोला। आज हैदराबाद की मक्का मस्जिद में तकरीर करते हुए ओवैसी बोले कि CAA बहुत खतरनाक कानून है, आगे चलकर इसी कानून को हथियार बनाकर लोगों की सिटीजनशिप छीनी जाएगी, उनको अपने ही मुल्क में दरबदर किया जाएगा, उनके अधिकार छीनकर नजरबंदी शिविरों में डाल दिया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए मजलूम हिंदू, सिख और दूसरे धर्मों के लोगों को नागरिकता दिए जाने से उन्हें कोई एतराज नहीं है। उनका एतराज इस बात पर है कि भारत में मजहब के आधार पर नागरिकता क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कल CAA और NRC, इस CAA को NRC और NPR के साथ जोड़ा जाएगा, तब मुश्किलें खड़ी होंगी जिसका अभी किसी को अंदाजा नहीं है। हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे ना असदुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। NPR और NRC, आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा NRC कराओ, 1600 करोड़ रुपए खर्च का किए करके सुप्रीम कोर्ट के मातहत NRC हुआ आसाम में। 19 लाख लोग के नाम नहीं आए, कितने 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजाद के हैं, मंतु शर्मा नाम है, बेसु शर्मा, वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना, उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या, आप 1951 में आए क्या, कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। माने वो 10-12 लाख हिंदू भाई बहनों को सिटीजनशिप मिल जाएंगी, आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। CAA पर ओवैसी का स्टैंड सबको मालूम है। बीजेपी जानती है कि ओवैसी ये सब बातें अपने मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि मोदी ने आज हैदराबाद में होने के बावजूद ओवैसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मोदी का पूरा ध्यान अपने कैंपेन पर था। तेलंगाना आने से पहले नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले तमिलनाडु गए। 17 दिनों में उनका यह दूसरी बार तमिलनाडु का दौरा है। मोदी की नजर इस लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी का ग्राफ ऊपर ले जाने पर है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली आज कन्याकुमारी में हुई, मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। रैली में बार बार बूंदी बूंदी के नारे गूंजे।
कन्याकुमारी की रैली में आज मोदी ने सीधे विरोधी पार्टियों को चैलेंज किया, कहा कि इस बार डीएमके कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को हल्के में न ले। तमिलनाडु की हवा बदल रही है, लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके बाद मोदी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी की परफॉर्मेंस इस बार इंडिया अलायंस का घमंड तोड़ देगी। कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था और इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना जो देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। मोदी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे बड़ी वजह है, दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी ने इस बार 7 सीटों पर फोकस किया है। मार्च में कुल 10 जिलों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का दफ्तर खोला था। सबसे बड़ी बात यह कि तमिलनाडु में बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष की अन्नामलाई के तौर पर एक स्ट्रांग चेहरा मिल चुका है। अन्नामलाई ने मेरी मिट्टी मेरे लोग यात्रा निकालकर बीजेपी का जनाधार बढ़ाया भी है, युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी भी इस चुनाव में एक बड़ा रोल प्ले करेगी। जिस कन्याकुमारी में आज प्रधानमंत्री ने रैली की, वहीं से अन्नामलाई ने अपनी यात्रा शुरू की थी और आप इसका असर देखिए। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी के 3 से 4 सीटें जीतने का अच्छा चांस है और कन्याकुमारी की सीट इसमें शामिल है। कन्याकुमारी सीट पर बीजेपी कांग्रेस और एआईएडीएमके से लीड लेती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल कहता है रामनाथनपुरम सीट पर भी बीजेपी विपक्षी पार्टियों से आगे है। ओपिनियन पोल में कोयंबटूर सीट पर भी लोगों की राय बीजेपी के पक्ष में। प्रधानमंत्री मोदी 18 मार्च को कोयंबटूर भी जाने वाले हैं, वहां रोड शो करेंगे। हालांकि पहले प्रशासन ने रोड शो की इजाजत नहीं दी थी, प्रशासन ने एग्जाम्स और सिक्योरिटी को इसकी वजह बताया था, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट ने प्रधानमंत्री को 4 घंटे का रोड शो करने की परमिशन दे दी। मोदी तमिलनाडु में जहां जहां जाएंगे, दरअसल उसका नुकसान डीएमके कांग्रेस अलायंस को होगा, क्योंकि मोदी के निशाने पर सीधे सीधे इंडिया अलायंस रहता है। आज कन्याकुमारी में मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं और इनकी सरकार ने तमिलनाडु का डेवलपमेंट रोक दिया है। डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है, इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया,
इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। मोदी ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें अब की बार 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है तो साउथ इंडिया में पैंठ बढ़ानी होगी। दक्षिण भारत के 5 में से 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इनमें बीजेपी को अभी तक सियासी जमीन नहीं मिल पाई है। आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी का टीडीपी और जनसेना पार्टी से गठबंधन है और इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी 10 सीटें तक जीत सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए असल चुनौती तमिलनाडु और केरल की 59 सीटें। बीजेपी को इस बार तमिलनाडु से उम्मीद बहुत है। के अन्नामलाई को तमिलनाडु का बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पार्टी वहां मजबूत हुई है। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी तमिलनाडु में 4 सीटें जीत सकती है। पुडुचेरी की सीट बीजेपी वहां पर बाजी मार सकती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार तमिलनाडु जा रहे हैं। वो जानते हैं अगर दक्षिण भारत में कामयाबी मिल गई तो वो जीत का रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में तो बीजेपी ने ऐसी सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है कि यहां पर उसकी जीत तय दिख रही है।